नमस्कार, द एच डी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। आज 31 दिसंबर है और कल एक नई शुरुआत हम करेंगे, यानी कि 2020 में हम प्रवेश करेंगे। 1 जनवरी को लेकर के राजधानी पटना में जहां तमाम होटलों में प्रोग्राम के आयोजन किए जा रहे हैं, तमाम पार्कों में तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, इस तरह से हम ये जानने की कोशिश करने इस वक्त हम पटना के सबसे फेमस और सबसे व्यस्तम रहने वाली इको पार्क में पहुंचे हैं, जहां किस तरह की व्यवस्था कल को लेकर के की गई है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि 2020 का जो है वो बोर्ड सजकर तैयार हो गया है। हैप्पी न्यू ईयर के तर्ज पर पटना पार्क डिवीज़न की तरफ से ये लगाया गया है। साफ तौर पर सबको शुभकामनाओं के साथ नववर्ष की तैयारियाँ यहाँ पर शुरू हो गई हैं। चूँकि आज साल का अंतिम दिन है, परिवार के साथ लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं, बच्चों का चूँकि छुट्टी है इस वजह से बच्चे भी यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसे में हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो गेट है जहाँ से टिकट प्राप्त किया जाता है, उसके अलावा भी लगभग 12 से 13 गेट अतिरिक्त बनाए गए हैं जहाँ से आप टिकट की प्राप्ति कर सकेंगे। मॉर्निंग वॉक कल सुबह बंद रहेगा, ऐसे में जो कल नववर्ष की तैयारियों को लेकर के यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, तो नववर्ष की तैयारियों के साथ इको पार्क पूरी तरह से तैयार है। देखिए एक रिपोर्ट।